धर्मशाला से विजिलेंस के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी देरा उपमंडल में दस्तक दी, जिसमें एसडीओ देरा की सरकारी गाड़ी व उसकी लॉक बुक को विजिलेंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी गाड़ी जिप्सी जो पिछले 6 महीने से खड़ी है और चलने लायक भी नहीं है, मगर कागजों में इसे एसडीओ चलाता रहा। तेल बंद पड़ी गाड़ी के नाम पर एसडीओ अपनी निजी गाड़ी में तेल भरवाता रहा। जब एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपनी निजी गाड़ी चलाते हैं और सरकारी गाड़ी रेस्ट हाउस पर खड़ी है। नहीं मतलब विजिलेंस क्यों आई, मतलब थोड़ा आप बताए तो खराब है हमारी इसको देखने के लिए। नहीं कोई घपले की बात की जा रही है, मतलब घपला कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ कोई दो ढाई लाख से ऊपर महीने का कोई घपला ऐसा कुछ दो ढाई लाख का क्या है नहीं, फिर भी कुछ भी नहीं है सर। गाड़ी खराब है, नहीं ये सारी इसी का कि मैं अपनी चलाता हूँ। अच्छा मेन ये है तो ये तो गाड़ी खराब है तो फिर अपनी चलानी पड़ेगी मेरे को, बस ये है। मैं तो शिकायत किसने की है कुछ डिवीजन वाले ने सुपरटेंट या एक्सीडेंट होना चाहिए कुछ, क्योंकि यही कर रहे थे ना ज़्यादा। वहीं एक्शन पीडब्ल्यूडी देहरा ने कहा कि विजिलेंस अपनी जांच कर रही है, इसमें हम खुद भी विभागीय जांच करेंगे। कह रहे हैं मुझे भी इसके बारे में अभी पता चला है कि विजिलेंस नीचे हमारे वहाँ एसडीओ ऑफिस में आई है और गाड़ी की लॉग बुक का उसमें कुछ कमी पाई गई है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे ध्यान में भी ये बात आई है, हम अपने स्तर पर भी इसकी इंक्वायरी करेंगे, बाकी जो बिजनेस इंक्वायरी करेगी अपनी तरफ से रहेगी, जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। इसमें तो जो आपके एस डी ओ आप आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे एक्शन है और सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट के मतलब आप पे आरोप लगाया उन्होंने कि आपने उनको फंसाने की कोशिश की। देखिए जी, जो लॉग बुक भरी गई है वो एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड एक दिन में तो बना नहीं है, और कोई ऑफिसर है वो जिम्मेवार होता है, उसको पता उसने क्या करना क्या नहीं करना। वो ऐसे किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाए या कुछ कहें, मैं समझता हूँ इन बातों में कोई दम नहीं है। क्या गाड़ी नहीं चल रही थी? ये तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा जी कि क्या चल रही थी। गाड़ी एसडीओ साहब का लोकेटेड है, पता करते हैं कैसे है क्या है, फिर करते हैं इसको। वहीं पुलिस अधीक्षक विजिलेंस धर्मशाला रेंज ने कहा कि हमारे पास इस संबंध में शिकायत आई थी और हमने जांच अधिकारी देरा में छानबीन के लिए भेजे हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए देहरा से गुरुदेव राणा की रिपोर्ट।